आज जो पूर्व बचाओ जिंदल भगाओ के खिलाफ दिया जा रहा धरना, अनिश्चितकालीन धरना जो 27वें दिन से लगातार जारी है, और हमारे विधायक महोदय इस लोक कल्याणकारी कार्य और मानव जीवन की सेवा के लिए जो लगातार 27 दिन से लगातार धरने पर हैं, उनके सहयोग के लिए हम सभी पार्षद साथी इकट्ठे हुए हैं, और हम सब पार्षद साथियों ने इकट्ठा किया तय किया है कि हम जो हमारे एक महीने का भत्ता है हम वो विधायक महोदय को देंगे, ताकि जो भी यहाँ लोग आते जाते हैं और जो भी ये यहाँ पर टेंट वगैरह जो माइक वगैरह का जो भी खर्चा है उसके लिए हम लोग एक माह का भत्ता हम विधायक महोदय को सौंपेंगे। जो जिंदल के खिलाफ जो ये कार्यक्रम चल रहा है हमारे विधायक महोदय का, हम कंधे से कंधा मिलाकर विधायक महोदय के साथ हैं, और नगर परिषद में हमारा बहुमत है, और निश्चित रूप से हम जिंदल शाह लिमिटेड को जो पानी दिया जा रहा है नगर परिषद भिलोड़ा के द्वारा, उसको पानी रोकने का प्रस्ताव हम नगर परिषद में रखेंगे, और निश्चित रूप से जिंदल शाह लिमिटेड का हम पानी रुकवाएंगे। जिंदल शाह लिमिटेड यहाँ जब 2010 में आया था तो हम लोगों को एक बड़ी आस थी उससे कि वो भिलोड़ा शहर का विकास करेगा, लेकिन वो विकास न कर भिलोड़ा शहर का विनाश कर रहा है। आज ये स्थिति हो गई भिलोड़ा विधानसभा की कि वहाँ के जो मवेशी हैं जो 4-4 लीटर 5-5 लीटर दूध देते थे, वो आज 1 लीटर दूध तक सीमित हो गए। खेत खराब हो गए, तालाब खराब हो गए, खलिहान खराब हो गए, वहाँ चर्म रोग फैल गया लोगों को। हमने ये नहीं सोचा था कि जिंदल इस तरह का विकास करेगा। ये विकास नहीं, विनाश की ओर भिलोड़ा विधानसभा को ले जा रहा है। हम लोग पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे, और जहाँ भी जरूरत होगी हम जिंदल शाह लिमिटेड का ईट से ईट बजाने के लिए तैयार हैं। पानी रोकने के लिए हम निश्चित रूप से बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखेंगे, और बोर्ड बैठक बुलाने का आग्रह भी हम आयुक्त महोदय से करेंगे, और निश्चित रूप से उसकी अनुशंसा के लिए हम राज्य सरकार को भेजेंगे कि इसका जल्दी जल्दी पानी रोका जाए।